Now, अब हम डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वन बॉडी ओवर अनदर बॉडी. और इसमें बहुत टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये लगाते हैं तो सबसे पहले स्लिपेज कहाँ होगा, दोनों बॉडी का कॉमन एक्सीलरेशन क्या होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि अगर मान लो कि ये एक बॉडी है कैपिटल एम मास की, जिसके ऊपर में एक स्मॉल मास की बॉडी रखी गई है, ये कैपिटल एम और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन जीरो है और अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और इस पर एक टाइम वेरिंग फोर्स अप्लाई करते हैं हम, समझे, एक टाइम वेरिंग फोर्स अप्लाई करते हैं. तो टाइम वेरिंग फोर्स क्या है, समय के साथ ये फोर्स इंक्रीज करते जाता है. तो क्या होगा, सबसे पहले हम देखें कि जब ये फोर्स हम एफ अप्लाई करते हैं इन दोनों बॉडी पर किसी मोमेंट ऑफ टाइम में, वैल्यू ऑफ फोर्स इज एम, उस समय क्या होगा. जैसे देखिए, तो पहले क्वेश्चन है कि क्या इन दोनों सरफेस में अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में स्लिपेज होगा या लोअर बॉडी और सरफेस के बीच में स्लिपेज होगा. तो आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो है, इसलिए सबसे पहले अगर ये एफ का वैल्यू थोड़ा भी होगा तो बोथ द बॉडी विल मूव विथ कॉमन एक्सीलरेशन, राइट. तो बोथ बॉडीज विल मूव with common acceleration जिसको हम डिनोट करेंगे एसी से, एंड एसी इज गिवेन बाई हाउ मच, दिस एसी विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स, दिस एसी इज गिवेन बाई टोटल फोर्स एफ डिवाइडेड बाई एम प्लस कैपिटल एम. Now, दोनों बॉडी कॉमन एक्सीलरेशन से जाएंगी और ये कॉमन एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा एफ टोटल फोर्स, और ये दोनों बॉडी को साथ साथ एक्सीलरेट कर रहा है, तो दिस कॉमन एक्सीलरेशन एसी इज गिवन बाय फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द बॉडीज. नाउ व्हाट हैपेंस, अब देखिए, जैसे जैसे सपोज हम इस फोर्स को बढ़ाने लगते हैं तो ऑब्वियसली कॉमन एक्सीलरेशन बढ़ते जाएगा, दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन बढ़ते जाएगा. लेकिन क्या ये ऐसा है कि फोर्स का वैल्यू कितना भी बढ़ाता जाए तो बॉडी कॉमन एक्सीलरेशन से ही मूव करेगी, ऐसा नहीं है. क्योंकि देखिए, और लोअर बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो लोअर बॉडी का एक्सीलरेशन, तो फोर्स अगर बहुत ज्यादा कर दें तो लोअर बॉडी का एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा. लेकिन अगर इन दोनों बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो जैसे अपर बॉडी स्मॉल एम का एबीडी हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द बॉडी ऑफ स्मॉल एम, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम ये करेंगे एबीडी ऑफ एम, तो देखिए यहां क्या हो रहा है. अब देखिए अपर बॉडी पर क्या क्या फोर्सेज जाएगा, सबसे पहले इसका यहां पर वेट लगेगा एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा यहां पर एन, राइट. और चूंकि ये बॉडी कॉमन एक्सीलरेशन से राइट में जा रही है, तो देखिए अगर फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, देखिए ये बॉडी, ध्यान दीजिए इन दोनों बॉडी पर फ्रिक्शन का क्या पोजीशन होगा, क्योंकि ये बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, इसलिए इसके तुलना में ये बॉडी किधर जा रही है, जो अपर बॉडी है उसका मूवमेंट किधर हो रहा है, वो इसके कम्पेरिजन में राइट टू लेफ्ट जा रही है, इसलिए अपर बॉडी पर फ्रिक्शन लगेगा एफ लेफ्ट टू राइट, एंड सेम फ्रिक्शन लोअर बॉडी पर लगेगा ई डायरेक्शन में, राइट. सेम फ्रिक्शन लोअर बॉडी पर, क्योंकि अपर ये लोअर बॉडी आगे मूव कर रही है तो ये बॉडी क्या कर रही है, उसके मोशन को रेसिस्ट कर रही है, तो इसलिए फ्रिक्शन दोनों बॉडी के बीच का फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, राइट. तो अपर बॉडी के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ, अपर बॉडी के लिए ड्राइविंग फोर्स हुआ ये फ्रिक्शनल फोर्स, और तो कोई फोर्स है नहीं. और हम जानते हैं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, अगर हम एफ मैक्स की बात करें, एफ मैक्स, तो दिस एफ मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, एफ मैक्स विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, देयरफॉर ए मैक्स मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ अपर बॉडी, जिसको हम ए मैक्स कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी म्यू एम जी बाई एम, और ये कट गया, दिस इज इक्वल टू म्यू जी. तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ अपर बॉडी होगा म्यू जी किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अपर बॉडी के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है, और किसी भी कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, देयरफॉर
कॉमन एक्सीलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, म्यू जी, राइट। इसलिए अगर दूसरा क्वेश्चन हम आपसे ये कहें कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स सो दैट बोथ द बॉडी आर मूविंग टूगेदर, जो इसका बी पार्ट है, मैक्सिमम फोर्स अप टू बीच both bodies are moving together, both bodies are moving together, ठीक है। तो अब ये maximum force कितना होगा, हम जानते हैं कि upper body का maximum acceleration क्या हो सकता है, upper body के लिए maximum acceleration ये μg हो सकता है, इसलिए दोनों बॉडी एक साथ चलेंगी तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और वही कॉमन एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये कॉमन एक्सीलरेशन उस समय कितना हो जाएगा, म्यू जी। तो हम लिख सकते हैं कि दिस एफ अपॉन एम प्लस एम मस्ट बी इक्वल टू म्यू जी इन दैट केस, राइट। एंड दिस एफ मैक्स, इसको अब हम ये एफ हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू हाउ मच, म्यू जी इंटू एम प्लस एम, राइट। और इसको हम लोग बोलेंगे कि दिस इज एफ मैक्स, राइट। नाउ दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, दिस इज द मैक्सिमम ऑफ म्यू जी इंटू एम प्लस एम विल बी द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द लोअर बॉडी सो दैट बोथ द बॉडी आर मूविंग टूगेदर विद ए कॉमन एक्सीलरेशन म्यू जी, राइट। नाउ अब उसके बाद क्या होगा, नाउ सी पार्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज दिस फोर्स फर्दर, राइट। अब ये दोनों बॉडी साथ साथ कॉमन एक्सीलरेशन से चल रही है, अगर इस फोर्स को हम फर्दर इंक्रीज करते हैं तो देखिए, अगर इस फोर्स को फर्दर इंक्रीज करते हैं तो क्या स्मॉल एम अपर बॉडी का एक्सीलरेशन बढ़ेगा, कभी नहीं। तो इसलिए when applied force further increases, then क्या होगा, both the body will move with different acceleration. Slippage between both the bodies starts and they move with different acceleration, right? And they move with different acceleration. अब दोनों move करेंगी तो A1 का acceleration, इसका क्या acceleration होगा, small m का। उस केस में we have AM, acceleration of small m will be equal to how much? This cannot be more than this one, so this is equal to mu g, right? ये हो गया answer हमारा एक। And what would be acceleration of AM? Acceleration of AM. देखिए, अगर इसकी हम बात करें, acceleration of this body. अगर हम lower body का free body diagram बनाएं, तो lower body का देखिए, this is the mass of lower body. यहां तो lower surface smooth है, इसलिए कोई नहीं है। ये friction लग रहा है इधर, और ये pulling force लग रहा है इधर। इसके चलते ये A1 acceleration से move करे, A2 acceleration से move कर रही है, suppose, so therefore A2 क्या हो जाएगा, we have A2 is equal to F pulling force minus F, F minus F by capital M, right, F minus F by capital M, and this will be equal to F minus, F का value क्या होगा, mu mg, F का value हो जाएगा mu mg divided by capital M, so द वैल्यू ऑफ A1 विल बी, या इसको A2 को हम लोग कहें, दिस इज ए कैपिटल एम, एक्सीलरेशन ऑफ लोअर बॉडी AM विल बी इक्वल टू F माइनस एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, F माइनस एम डिवाइडेड बाई एम, देयरफॉर AM विल बी इक्वल टू F माइनस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम, सो आफ्टर दैट बोथ द बॉडी विल मूव विथ डिफरेंट एक्सीलरेशन,
दिस एक्सीलरेशन ऑफ कैपिटल एम हैज नो लिमिट. जैसे हम जैसे जैसे एम को बढ़ाते जाएंगे ये एक्सीलरेशन बढ़ते जाएगा, बट एक्सीलरेशन ऑफ अपर बॉडी दिस ए मैक्स विल बी ए एम मैक्स विल बी इक्वल टू दिस इज म्यू जी. राइट. ओके थैंक यू.